तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। किस लिए? समझाने के लिए, कार्पोरेशन जिन पर गाड़ी लगाए तो हम लोग जाम कर देता है, हम लोग पैसेंजर नहीं होता है, आपने तो हाजिर हो जाता है हम लोग पर। तो कौन मारा आपको? टोटो वाला। किस लिए? समझाने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए बोलते हैं, नहीं हटाता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या चाहते हैं? चाहते हैं यहाँ पर गाड़ी नहीं लगे, मतलब टोटो ना लगे। हाँ, टोटो ना लगे। आपका नाम? आपका नाम? नाम मोहम्मद नौसाद। बार बार लगातार 10 बार हम लोग RTO, DM, SDM को कई बार डेपुटेशन दे चुके हैं कि आसनसोल शहर में 46 तो बेआईनी टोटो का शोरूम चल रहा है। बेकार लड़कों को वो लोग जो है प्रलोभन देकर, लालच देकर टोटो बिक्री कर रहा है। लेकिन टोटो किस रूट में चलेगा, उसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। एक एक रूट में आप देखिए, जहाँ पर 10 यहाँ ऑटो चलता था, वहाँ 50 टोटो आ गया है। किसी के पास में 10-10 साल का लड़का, 10 साल का लड़का जिसकी उम्र नहीं हुई गाड़ी चलाने की, 6-6, 7-7, 8-8 पसेंजर लेके जा रहा है, यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए कौन दाई है? RTO को दाई है, इसके लिए हमारा प्रशासन दाई है, इसके लिए जो है टोटो शोरूम दाई है। हम लोग बार बार बोले हैं, जो टोटो बेआईनी रूप से बेच रहा है उसके पास कोई ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है, उसके पास सरकार की कोई अनुमति भी नहीं है कि वो टोटो बेचेगा। टोटो बेचने का सिस्टम होगा कि वो किस रूट में चलाएगा, जो टोटो जिसको बेचा जा रहा है उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि एक एक टोटो में 6-7 आदमी करके जा रहा है। तो ये तो देखना होगा कि जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन को बार बार बोले, RTO को बार बार बोले हैं, प्रत्येक दिन जो है टोटो का शोरूम खुल रहा है और धड़ल्ले से बेकार युवकों को गुमराह करके कि तुम लोग टोटो खरीदो, बेआईनी रूप से टोटो बेचा जा रहा है। प्रत्येक दिन अशांति हो रही है, ऑटो के साथ टोटो का, बस के साथ टोटो का, आपका जाके मिनी बस से टोटो का लगातार झमेला हो रहा है। आज भी एक ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। हम लोग बार बार बोले हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो शोरूम का मालिक है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा, ये चिंता का विषय है। उसको गिरफ्तार करना होगा कि वो किसकी अनुमति से बेआईनी तरीके से बेकार युवकों को ठग रहा है और लोगों को जो है माने अशांति के मुंह में डाल रहा है। ऐसे शोरूम मालिकों पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग कल फिर RTO ऑफिस में जाएंगे, हम लोग जो धरना पर बैठ जाएंगे, हम लोग RTO को चैम्बर में जब तक नहीं उठेंगे, जब तक बेआईनी टोटो का शोरूम बंद नहीं होगा तब तक हम लोग जो आंदोलन लगातार चालू रखेंगे।